छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल कर रही है। सदन में बेरोजगारी पर तीखी बहस हुई है। बीजेपी सरकार पर लोगों को ठगने के आरोप लगा रही है, तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर पलटवार कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। बेरोजगारी भत्ता पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा है। सदन में भी बेरोजगारी भत्ते पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बेरोजगारी का मामला उठाया और सरकार से प्रदेश में बेरोजगारी की परिभाषा पूछी। चंद्राकर ने सीएमआईए के आंकड़े पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.5% बताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार कौन है ये परिभाषा तय नहीं कर पाई। आज के प्रश्नों के उत्तर में दिया है बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नियम वो पटल में नहीं रखते, नियम राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता, तब तक वो माना नहीं जाता। अजय चंद्राकर ने भी पूछा कि बेरोजगारी भत्ता के लिए ये कैसे तय होगा कि कौन बेरोजगार है। इस पर जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, बेरोजगारी भत्ता के लिए हम आवेदन लेंगे, यही हमने कहा। हमने क्राइटेरिया सेट किया है, हमने कहा है कि उसमें आप आय का मापदंड रखा है, हमने उसमें उम्र का मापदंड रखा है, हमने उसमें सरकारी नौकरियों का मापदंड रखा है। कोई भी जो उस आय की सीमा से और उससे अंदर में रहेगा, हम सब उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पे अब ठगा जा रहा है। 4 सालों तक कोई भी इनको भत्ता नहीं दिया गया। पिछले पेंडिंग को हम देखें तो प्रत्येक युवा का 1.25 लाख रुपए का बकाया कर्जा भूपेश बघेल की सरकार का के ऊपर है, हर एक युवा का। बजट प्रावधान किए हैं, किस तरह से ठगना चाहते हैं स्पष्ट होता है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया बनाए हैं उससे तो स्पष्ट होता है कि जो खानदानी बेरोजगार होगा उसी चंद लोगों को, 200-400 लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं। 10 लाख लोगों का कमिटमेंट किए थे, ये मुझे लगता है 10,000 लोगों को भी ये नहीं देंगे और सब छत्तीसगढ़ की युवाओं को ठगे हैं। तो ये 2 साल वाला क्लॉज क्यों रखा गया? 2 साल वाला क्लॉज क्यों रखा गया? क्योंकि मैं इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सुन तो लीजिए, कोरोना काल में तो बेरोजगारी और बढ़ गई, कोरोना काल में तो और बेरोजगार बढ़ गए। जिनकी नौकरी छूट गई, जो बेरोजगार हैं, उनका उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप उनको गिनती में भी नहीं लेंगे। नहीं नहीं, उनका जीवित पंजीयन होगा जो 21 से 35 वर्ष के दायरे में आते हैं। लेकिन दो साल कोविड के 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ना कोविड के दौरान की बात तो नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, वो कोविड के दौरान अगर रोजगार छूटा उसके पैसे तो पंजीयन तो होगा ना भाई। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन 2 साल पहले जिसने पंजीयन करा लिया होगा वो ठीक है, उसको अगर दे भी देंगे और उसके बाद अगर उसका पंजीयन कोई करवाता है तो उसको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, 2 साल बेरोजगार क्या करेगा? वो बेरोजगार नहीं है, हम तो सिर्फ रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अगर जो पंजीयन 2 साल पहले कराया है, हमने कहा ना, हम ना तो नरेंद्र मोदी जी की तरह धोखा पाते हैं, ना रमन सिंह की तरह धोखा देते हैं, हम जो करते हैं उसको पूरा करते हैं। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने साइट को बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, नहीं दे पाए। नहीं, लेकिन धनंजय जी, मैं इस बात को आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जब आपने, देखिए धनंजय जी, सरकार ने जब इस बात का ऐलान किया कि बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं 2500 रुपए देंगे, ठीक है, निश्चित रूप से बेरोजगार को एक उम्मीद बंधी होगी, आस बंधी होगी। मुझे इतना जवाब दीजिए कि जब आपने ऐलान किया तो ये आपने क्लॉज क्यों रख दिया? आज जो बेरोजगार है, अगर वो जाकर पंजीयन कराता है, क्या उसे नहीं मिलना चाहिए? क्या वो 2 साल और इंतजार करे तब उसको देंगे? क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुझे ये बताइए, क्लॉज क्यों रखा गया? सुनिए, पहली बात आप समझ लीजिएगा, बेरोजगारी का पंजीयन कब का होता है? जब छात्र 8वीं पास करता है, रोजगार दफ्तर में जाकर पंजीयन कराता है। जब छात्र 10वीं पास करता है, रोजगार दफ्तर में जाकर पंजीयन कराता है। जब छात्र 12वीं पास करता है, तब रोजगार दफ्तर में जाकर पंजीयन कराता है। जब छात्र ग्रेजुएशन करता है, तब जाकर पंजीयन कराता है। इंजीनियरिंग करता है तो पंजीयन कराता है। मेडिकल पास करता है तो पंजीयन कराता है। पंजीयन का सिस्टम तो यही है ना, क्या पहली क्लास के बाद पंजीयन होता है क्या? नहीं होता, हर साल हो सकता है। वो तो कंटिन्यू है, तो हर साल हो सकता है। तो जो 21 से 35 साल के जो उम्र के लोगों का पंजीयन है, जो पंजीयन जीवित है, वो इस दायरे में आएंगे, उसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसमें तो पंजीयन जीवित है उनका ना भाई, और जो पंजीयन करा चुके हैं। नहीं, जो हाल ही में पंजीयन कराएगा उसको क्यों नहीं मिलेगा? आज भी पास कैसे पंजीयन उसका, जो 8वीं पास कर लिया होगा, जो 12वीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने 12वीं पास कर ली और आज पंजीयन कराया तो क्यों नहीं मिलेगा? आपके कहने से होगा ना, पंजीयन करने का नियम है, आप जो कहो तो पंजीयन का जो नियम है। नहीं, मेरे कहने से नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई आज पंजीयन कराता है तो उसे 2 साल क्यों इंतजार करना पड़ेगा?
नहीं नहीं आपके कहने से नहीं होगा ना, मेरी बात सुन लीजिएगा, पंजीयन के नियम होते हैं, मेरे कहने से नहीं होगा, आपके तात्पर्य आप और हम दोनों से है, उसकी नियमावली है। चलिए ठीक है, ठीक है, नियमावली है और सवाल बीजेपी इसको लेकर उठा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है नियमावली की